Hey my foodies, welcome back to my channel. Today I'm going to share with you Ramzan series recipe. It's Chinese samosa recipe or mixed vegetable samosa recipe. तो इसके लिए आपके पास जो भी vegetables हो आप use कर सकते हो. तो मैंने लिया है tomato, capsicum और पत्ता गोभी और अदरक लहसुन का पेस्ट. कुछ मसाले लिए हैं, मैगी मसाला, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर और मेयोनीज ली है. और मैंने लिया है उसमें पनीर और मैंने लिया है पिज़्ज़ा सॉस. तो हम इन सभी चीज़ों को सॉटे कर लेंगे. हमें इसे पूरा कुक नहीं करना है, हाफ कुक करना है. तो थोड़ा सा तेल ऐड कीजिए पैन में और फिर उसमें ऐड कीजिए हमारे वेजिटेबल्स जैसे टोमेटो है, कैप्सिकम है, पत्ता गोभी है और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कीजिए. थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ऐड किया मैंने और टेस्ट के लिए सॉल्ट, थोड़ा सा सॉल्ट जितना चाहिए. और इन सभी चीज़ों को अच्छे से सॉटे करना है. हमें इसे हाफ ही कुक करना है क्योंकि जब हम समोसा फ्राई करेंगे तो वो उसमें भी कुक हो ही जाएगा. तो इसमें से थोड़ा सा नमक ऐड किया है और हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से पका कर लेंगे. और जब ये अच्छे से कुक हो जाए, मतलब हाफ कुक हो जाए, तो हम इसमें ऐड करेंगे हमारा विनेगर. तो आपको इसमें हाफ जो भी कैप है उतना भर के विनेगर ऐड करना है और इसे अच्छे से मिक्स करना है. इसके बाद हम ऐड करेंगे हमारा पनीर जो मैंने बारीक बारीक कट किया है और उसे भी हम अच्छे से हाफ कुक कर लेंगे. पनीर के बाद हम उसमें ऐड करेंगे हमारे स्पाइसेस, जैसे जो भी मैंने मसाले थे, मैगी मसाला, मटन मसाला और थोड़ा सा मिर्ची पाउडर. और इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और जब अच्छे से मिक्स हो जाए तब इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा मेयोनीज और पिज़्ज़ा सॉस और फिर हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे. अब इसमें मेयोनीज़ ज़्यादा मत ऐड कीजिए. अगर आपको क्रीमी समोसा बनाना है तो आप ऐड कर सकते हो, पर मैंने इसमें 1 चम्मच जो भी हमारा पोहे का चम्मच होता है उतना मैंने 1 चम्मच मेयोनीज़ ऐड किया है और 1.5 चम्मच इसमें ऐड किया है पिज़्ज़ा सॉस और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है. और अब हम इसे 1 मिनट तक इसे कुक करेंगे, मिक्स करेंगे और फिर इसे निकाल लेंगे. और हम इसे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए साइड में रखेंगे. मैंने गेहूँ के आटे की लोई बना के रखी है और जो मैंने समोसे के लिए जो स्ट्रिप कट की है ये भी गेहूँ के आटे की है. तो अब देखिए इसे फोल्ड किस तरह से करना है और फिर हमें इसे इसमें स्टफ करना है और फिर जो गेहूँ के आटे की लोई है इस साइड के कॉर्नर पे हम लगा के इसे स्टिक करेंगे. तो बिल्कुल आपको इसी तरह से इसी प्रोसेस में धीरे से इसे स्टिक करना है और अच्छे से लोई लगानी है ताकि ये अच्छे से स्टिक हो जाए. कभी कभी क्या होता है कि हम अच्छे से इसे स्टिक नहीं करते तो जब हम तेल में फ्राई करते हैं तो वो ओपन हो जाते हैं, पर मैं इसे ऑयल में डीप फ्राई नहीं करूँगी, शैलो फ्राई ही करूँगी. इसी तरह से इसे फोल्ड करना है और ये हो चुका है हमारा रेडी. तो दिस इज़ फाइनल लुक. बिल्कुल आपको इसी तरह से करना है. मैं सेकेंड टाइम आपको फिर बताती हूँ कि आपको इस तरह से फोल्ड करना है. और जब अच्छे से फोल्ड हो जाए तो हम इसे इसमें हमारे जो भी हमने वेजिटेबल्स कुक किए हैं उसे अच्छे से स्टफ करना है. आप हाथ से फिलअप कर सकते हो, स्पून से कर सकते हो, जिस तरह से आप कंफर्टेबल हो अच्छे से हो जाए उसी तरह से कीजिए. और जो एंड के जो कॉर्नर से इसमें हम हमारी जो हमने गेहूँ के आटे की लोई बनाई थी उसे इसे स्टिक करेंगे. बिल्कुल अच्छी तरह से आपको लगाना है और फिर इसे अच्छे से पैक करना है. तो देखिए ये हमारा समोसा बनके रेडी है. अच्छी तरह से इसे स्टिक करना है. जो भी हमारे समोसे इस तरह से बना कर लेंगे बिल्कुल. तो मैंने आपको बता दिया किस तरह से बनाना है, सेम प्रोसेस में आपको करना है. तो देखिए मैंने सब अच्छे से बना कर रेडी रखा है. अब हम एक पैन में ऑयल ऐड करेंगे. मैं शैलो फ्राई करूँगी, डीप फ्राई मुझे नहीं करना है. तो एट अ टाइम हम 4 समोसे इसमें ऐड करेंगे और अच्छे से फ्राई करेंगे. तो समोसे को जब पैन में या तेल में डालो तो आप बिल्कुल आराम से डालना, वरना ये गर्म तेल आप पर उड़ सकता है. तो धीरे धीरे से हम इसे 1 बाय 1 साइड पलट देंगे. तो देखिए अच्छा काफ़ी गोल्डन कलर आया 1 साइड से, तो मैं सेकेंड साइड में इसे पलटूँगी और जब दोनों साइड से अच्छे हो जाए तो हम इसे निकाल लेंगे और इसे सर्व करेंगे. तो रमज़ान सीरीज़ की मेरी ये सेकंड रेसिपीज़ आपको कैसे लगी आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए. तो देखिए कुछ इस तरह से गेहूँ के आटे के समोसे मैंने बनाए और अंदर से भी देखिए काफ़ी अच्छे और टेस्ट में भी बहुत अच्छे थे. तो ये हमारे चाइनीज़ समोसे आपको कैसे लगे आप मुझे ज़रूर कमेंट करें. खाए और मुझे कमेंट करें कि आपको कैसी लगी है मेरी रेसिपी. सो बहुत टेस्टी और बहुत झटपट बनने वाली है. सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय. अब मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक